पाकिस्तान में नए दहशतगर्द जा चुके हैं, सुना है कोई डिजिटल दहशतगर्द भी हैं, आपके दफ्तर से भी पकड़े गए हैं? ये छह तो मेरे सामने खड़े हुए हैं जो केस वक्त बना रहे हैं। देखें, ये जो आज का दौर है, आजकल का दौर है, उसमें हर पाकिस्तानी, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ भी है, और आपने इसकी मिसाल उस वक्त देखी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान ले लिया गया था और ऐसे ऐसे मज़ाक़ेज इंतखाबी निशानात दिए गए थे, तो वो इसी के ज़रिए उन्होंने अपने अवाम तक, अपने कैंडिडेट्स ने और अवाम ने इसी के ज़रिए उनकी कैंपेनिंग की। अब ये एक जमहूरी अमल था जिसमें कि वो शामिल हुए। अब किसी के पास अगर पिस्तौल है तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी हो सकता है और वो किसी जुर्म के उसके लिए भी हो सकता है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि जिसके पास पिस्तौल है वो सारे दहशतगर्द हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हकीकतें ऐसी होती हैं जिनको आप नहीं सुनना चाहते और ख़ास तौर पर अहले इक़्तदार नहीं सुनना चाहते, लेकिन वो एक हकीकत है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि आप चाँद, ये सूरज को एक हाथ से नहीं छुपा सकते, जो हकीकतें हैं वो हकीकतें रहती हैं, वो सारी आवाम उनसे बाखबर है और वो उसी पैराई में बात करते हैं जो कि उनके साथ गुजरती है या वो जो उनकी आंख उनका जिस चीज़ का मुशाहिदा करती है। तो इसलिए ये इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करने एक पूरी पाकिस्तान के 90% आवाम जो कि वो है इसके साथ है, पीटीआई के साथ है और साथ ही साथ वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होती है। आजकल तो जितने नौजवान हैं, नौजवान में कोई वाले साहब कह दे अपने बेटे को कि भाई आपने सोशल मीडिया में नहीं चलना, वो उसकी भी बात नहीं मानेगा। ठीक है, असल चीज़ क्या है कि हम जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर हमारी नज़र नहीं है और जो उस मंजर उस हकीकत को दिखा रहे हैं या शेयर कर रहे हैं अपने साथ, वो उन पर वो उनको उठाया जाता है, उन पर उनको दहशत गर्दी का मुकदमे होते हैं, उन पर गद्दारी के मुकदमे हो रहे हैं। अब मतलब देखें, दहशतगर्दी तो वो है ना कि जो हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में हो रही है, तो बजाय इसके कि हम अपने ही लोगों की तरफ उनको उसमें उलझे रहे हैं, हमें चाहिए कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें कि क्यों दहशतगर्द दाखिल कैसे होता है, स्मगलिंग होती कैसे है, बॉर्डर से ही होती है, उन जगहों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए बनिस्बत इस पे कि कौन से हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो एक आवाम का एक मेजॉरिटी है जो सोशल मीडिया पे अपने आप को बाखबर रखती है, उनको जो है तो हम उनके लिए सर्टिफिकेट जारी करें गद्दारी के और दहशतगर्दी के। जनरल लू ने सर वहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकने के लिए इतनी इमदाद जारी की जाए, तकरीबन 10 करोड़ डॉलर मेरे ख्याल में उन्होंने मांगे पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ, तो डॉलर शालर आएंगे तो दहशतगर्दी रुक जाएगी? देखें, ये पहली बात तो ये है कि जो मैंने जो देखा है तो ये सितम ज़रीफ़ी है कि उन्होंने जो एक स्वेक देखें कि जो रोड क्राइम्स हैं, ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, वो कितने बढ़ गए हैं क्योंकि लोगों ने वो जस्टिफाई करते हैं कि उनकी पहुँच से बाहर हो गई ये चीज़ें। इस चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए, जो मसाइल हैं उनका, उनकी बुनियादी जो वजूहात हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, न कि ये सियासी तौर पे इंतकाम बनाना। सर वैसे तो कौमी खजाने में पैसे नहीं है लेकिन हुकूमत ने 30 अरब रुपए का फायरवॉल खरीदा है, जी जी, ये किस मकसद के लिए हो सकता है कि आप पीटीआई इसका कोई तोड़ निकाल सकती है? देखें, इससे जो 30 अरब, बिल्कुल ठीक है कि 30 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं इसलिए कि सोशल मीडिया और जो हमारी, देखें इससे हमारी जो आईटी का दौर है जो कि आलमी सतह पर पाकिस्तान एक बनने जा रहा था, जिस तरह के हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया है जिन्होंने कि आईटी में कितनी तरक्की की है और 100 बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, हमारे यहाँ इंटरनेट को कभी सस्पेंड कर दिया, स्लो कर दिया, कौन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा? जो पाकिस्तान की अपनी कंपनीज़ हैं, जो नए कंपनीज़ बनी थी, वो जो है वो सारे बाहर चले जाएँगे और बाहर चले जाने का मतलब है कि पाकिस्तान का जो एक सारे मुबादले का एक बड़ा एक इफ़ेक्टिव वो था सोर्स थी, उसको हमने उस पर कुल्हाड़ी मार दी है। तो सिर्फ कि जी शिबली फराज क्या कर रहा है या आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, देखें ये इस तरह की जो नॉर्थ कोरिया की जो स्टेट है ना, ये नहीं, ये इंटरनेशनली अगर हम आइसोलेट हो गए तो ये इन्हीं वजह से हो गए हैं कि यहाँ पे अगर तो आपको कोई वो नहीं है, जानो माल की सिक्योरिटी नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी नहीं है, तो कोई क्यों आएगा? उनको तो छोड़ें जो बाहर से आने वाले हैं, हमारे अपने लोग बेचकर चीज़ें और मुल्क से जा रहे हैं,
अभी आपने देखा कि इराक में सुना है कि 50,000 पाकिस्तानी, ये जो है तो अपनी गवर्नमेंट की फिगर्स हैं कि वहाँ से 50,000 लोग वापस नहीं आए, गायब हो गए। तो ये इस किस्म इराक से देखें कि लोग अब रास्ते ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये इस किस्म के हालात में हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं भाई? ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, ये एक एटॉमिक पावर है, लेकिन जब तक आप सिर्फ इसी पे इक्तफा करेंगे कि आप एक एटॉमिक पावर हैं और आप अपनी इकोनॉमी में आप कशकोल लेके फिरते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारा पासपोर्ट आज सिर्फ 4 मुल्कों से बेहतर है, हम बिल्कुल ज़मीन पे पहुंच गए हैं। उससे पासपोर्ट क्या होता है, आपकी शनाख्त होती है। अगर आपकी कोई शनाख्त को उठा के यूँ बाहर फेंक दे कि आप जी वो सबसे आखिर में खड़े हो जाएँ, उस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, उस मुल्क में कौन आएगा? तो ये चीज़ें हैं देखने वाली, ये सारे जो है आदाद व शुमार हैं, ये इस चीज़ की वो करते हैं, खमाजी करते हैं कि भाई ये मुल्क ठीक नहीं जा रहा, ये मुल्क जो है तो रोज़ की बुनियाद पर ये नीचे की तरफ जा रहा है। और हमारे जो हैं तो जो साहिबान इक्तदार बैठे हुए हैं, ये इनकी जो भी मदद भी करते हैं वो पाकिस्तान को ऐसी सजा दी है पाकिस्तान की आवाम को कि वो लोग जो कि करप्शन में इन्वॉल्व थे, जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के खुले केसेस थे, उनको उधर से जिस दिन पेशी थी हटा के उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। यानी ये कहाँ होता है फिर? क्या मैसेज दे रहे हैं आप दुनिया को और क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी नौजवान नस्ल को कि आप क्राइम करोगे लेकिन आप चूँकि एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखते हो, आपको जो है ना वो बिल्कुल इजाज़त होगी, तो फिर कोई मेहनत क्यों करेगा? बिकॉज मेहनत की जब अहमियत ही नहीं हो।